दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ ऐसी धमाकेदार टिप्स जो आपकी लाइफ बदल देंगी, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। और ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये टिप्स बहुत रेगुलर में यूज़ होने वाली नहीं है। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टिप्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है कि करेला बहुत लोग नहीं खाते या घर में बच्चे नहीं खाते, क्योंकि वो कड़वे बनते हैं। तो आप क्या करें, इसमें 1-2 चम्मच जितना हो सके उसमें नमक डाल दीजिए, पतले पतले स्लाइस काट के। आप इसमें ज़्यादा भी नमक भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसे ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा, नमक की वजह से करेले में से पानी छूट जाएगा, यानी कि पूरा कड़वापन हट जाएगा। नीचे आप पानी देख सकते हो। अब क्या करना है, इसमें 1-2 ग्लास भर के आप इसमें पानी डाल दीजिए, मतलब करेले को अच्छे से धो देना है। और टेंशन मत लीजिए, ज़रूर क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपको बता देती हूँ मेथड, क्योंकि सबसे पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हमें क्या करना है, करेले को कुछ इस तरीके से स्क्वीज करना है, मतलब अच्छे से पानी निचोड़ लो और सारा पानी निकल जाना चाहिए, जितना बन पड़े उतना अच्छे से निचोड़ लो। और ये देखिए, एक एक बूंद पानी निकल गया है। अब इस करेले को अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करके बनाएं, बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। यहाँ मैंने ली है एक बॉटल, जिसमें मैंने भरा है गुनगुना पानी, और अच्छे से भरा है, मतलब बॉटल खाली नहीं छोड़ी है बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, आपके पैर ना इस तरीके से इसमें रब करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को या 30 साल की उम्र के बाद पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, और जो लेडीज होती है वो पूरा दिन घर पे काम करती है, खुद पे ध्यान ही नहीं देती। तो कुछ इस तरीके से रब करने पे आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा और बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको पैरों में दर्द है तो कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर लाते हुए आपको रोल करते हुए प्रेस करते हुए मसाज कर लेनी है। तो ये टिप जरूर ट्राई करना, उसके बाद गर्म पानी से नहा लेना। अब बहुत बार क्या होता है, मिक्सी जार में जो ये ढक्कन आता है उसमें जो रबड़ है वो बिगड़ जाता है या टूट जाता है, तो उसके लिए क्या करें। यहाँ मैंने लिए है 2 रबर बैंड, और आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं या 1 भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं 1 रबर बैंड लगा रही हूँ, 1 से भी काम हो जाएगा। तो ये देखिए, रबर बैंड अच्छे से मैंने फिक्स कर लिया है ढक्कन में। और यहाँ मैं पीस रही हूँ तेल में फ्राई किए हुए प्याज, तो आप देख लीजिए बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है और अच्छे से सारी चीज़ें पिस जाएंगी। और ये देखिए, बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है और बिल्कुल भी, मतलब रबड़ की हेल्प की वजह से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप भी जार से रिलेटेड ही है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने इतना चिकना पिसा होता है ना कि वो धुलता ही नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या किया, गुनगुना पानी डाला है और ये डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। आप चाहो तो जिससे भी आप बर्तन धोते हो वो सोप भी डाल सकते हो। बस हम मिक्सी जार को एक बार मिक्सी में चला लेना है, और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल चिकनाई नहीं रहेगी जार में। और अगर आपका जार बहुत ज्यादा पुराना है तो आप इसमें साथ में बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों मिला ले, तो ये देखिए कितना साफ हो गया हमारा जार। तो ये थी हमारी 4th टिप। अब बात कर लेते हैं 5th टिप की। बहुत बार ऐसा होता है, माचिस खत्म हो जाती है तो हमें गैस से ही दिया जलाना पड़ता है, और फैन वैन चालू होते हैं तो हमें वो बंद करने पड़ते हैं, या फिर काफी वजह से हम फैन बंद नहीं कर पाते तो हमारा दिया बुझ जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं लेके आई हूँ। किसी भी कटोरी को आप ले लीजिए और दिए को आधा कुछ इस तरीके से ढक लीजिए, और आप इस तरीके से ढक के पूरे घर में ऑन फैन में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आपका दिया नहीं बुझेगा। बस ध्यान ये रखें उंगली वहां ना रखें, ताकि जल जाएगी वो। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की, जो कि बहुत काम की है। हम जब नया नया झाड़ू लाते हैं ना, तो उसमें से बहुत ज्यादा ये छोटा छोटा छूटता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने झाड़ू को घुमा घुमा के उस पर प्रेस कर लेंगे। ये एक ही बार करना है, मतलब अच्छे से घुमा घुमा के आपने प्रेस कर लिया। फिर आपको लेनी है कंघी और झाड़ू में कर देनी है कंघी बिल्कुल अच्छे से। और देखिए, जैसे जैसे मैं कंघी कर रही हूँ वैसे वैसे ये ज़्यादा छूट रहा है। तो ऐसे करने से सारा एक साथ ही छूट जाएगा, मतलब वरना 5-6 दिन तक या 10 दिन तक झाड़ू में से छूटता रहता है और घर साफ नहीं होता, बल्कि और गंदा होता रहता है। तो ये देखिए, बहुत सारा निकल गया है झाड़ू में से और ये बिल्कुल साफ हो गया झाड़ू। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है और अब आपका घर बिल्कुल गंदा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 की, जो कि है मैच बॉक्स को लेके। बहुत बार हमारे घर में माचिस होती है वो ख़त्म हो जाती है, हम डब्बा फेंक देते हैं। तो आप क्या करें, 2 माचिस को कुछ इस तरीके से टेप लगा के जॉइंट कर ले। टेप आपको ऊपर की साइड लगानी है, क्योंकि फिर बाद में आप माचिस नहीं जला पाओगे अगर बीच में लगाओगे तो ऊपर लगा लीजिए। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से यूज़ कर ली हमने माचिस। फिर माचिस की तिल्ली को इधर उधर फेंकने की बजाय आप नीचे वाले खाली बॉक्स में ही उधर ही सिक्योर करके रख देते। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।